देश में कोरोना संक्रमण के मामले मंगलवार रात 50 लाख के पार पहुंच गए। केवल 11 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख से बढ़कर 50 लाख पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि अब तक 39,26,096 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 83,809 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 49,30,236 हो गई थी। इस दौरान 1,054 मरीजों की मौत के साथ ही देश में 80,776 लोग इससे जान गंवा चुके थे। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 50,05,963 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 39,26,096 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 81,989 लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर से कोविड-19 के आंकड़ों का संग्रह करने वाले अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों के संदर्भ में भारत सबसे आगे है, उसके बाद ब्राजील और फिर अमेरिका का स्थान आता है। विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित लोगों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि मृतकों के आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका और ब्राजील के बाद वह तीसरे स्थान पर है। कोमल पंजाब केसरी स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो punjabkesari.com को लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।